तो देखो नमपाई दैट इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी, और साईपाई भी है जिसको साइंटिफिक पाइथन लाइब्रेरी कहते हैं। अंतर क्या दोनों में? तो नमपाई सी में इसका बना हुआ है, ठीक है, तो एम्बेडेड है सी, बहुत फास्ट है। साईपाई हमारा बिल्कुल, साईपाई में भी वो सारा का सारा मेथड मिलता है जो नमपाई में है, और साईपाई हर वो काम कर सकता है जो नमपाई करता है, लेकिन साईपाई के बारे में कहते हैं कि ये पाइथन में डेवलप किया गया, ठीक है। कुछ अच्छा ऑपरेशन है जो साईपाई में ज्यादा अच्छा होता है, बाकी सारे के लिए हम लोग नमपाई इस्तेमाल करते हैं, नमपाई बहुत फास्ट है। नमपाई इज द एंट्री पॉइंट फॉर द डेटा साइंस। पाइथन परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, बट इन डेटा साइंस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक क्रिएशन ऑफ एरे, परफॉर्म सेवरल ऑपरेशन ऑन दोज एरेज, इंटीग्रल कैलकुलस ऑपरेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स रिलेटेड ऑपरेशन। दीज टाइप ऑफ ऑपरेशन आर नॉट सपोर्टेड बाई नॉर्मल पाइथन। ओके, नमपाई कैन परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशन। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नमपाई? तो एनडी एरे, दैट इज एन डायमेंशनल एरे, इज द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इन द नमपाई। नमपाई इज द बैकबोन ऑफ रिमेनिंग लाइब्रेरी लाइक पांडास, मैट प्लॉटलिब, स्केलर्न और स्काईकिटलर्न भी इसी को बोलते हैं। नमपाई हैज वेक्टराइजेशन फैक्टर। नमपाई में हम किसी भी एरे को वेक्टराइज कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा फीचर है इसका। हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार नमपाई का, फिर हम जो उसके मेथड को देखेंगे और क्या क्या होता है। नमपाई स्टैंड फॉर द न्यूमेरिकल पाइथन, इट इज फंडामेंटल पाइथन लाइब्रेरी फॉर परफॉर्म कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल ऑपरेशन। NumPy is developed on top of the numeric library in 2005. Numeric library Python developed by Jim Hoogen. NumPy is developed by Travis Oliphant and multiple contributors. NumPy is freeware and open source library. NumPy library is written in C and Python. C language performance is very high, so NumPy is also space efficient and time efficient. Execution time efficient also. Okay, most of the NumPy is written in C, so performance wise NumPy is best. Because of high speed, NumPy is the best choice for the data science. MI, that traditional Python inbuilt data structure and list, that is better than that one. Okay. देखो ND array, जो इन डायमेंशनल एरे का बात कर रहे हैं, इन नमपाई, इन नमपाई डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एरे। इन नमपाई वी कैन होल्ड डेटा बाय यूजिंग द एरे डेटा स्ट्रक्चर। एन एरे व्हिच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग नमपाई आर कॉल्ड एनडी एरेज। एनडी एरेज इन इन डायमेंशनल एरे और नमपाई एरे। दिस एनडी एरे इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डेटा साइंस लाइब्रेरी लाइक पांडास एंड स्काईकिट। ओके, क्या क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन दिया नमपाई टू परफॉर्म लीनियर अलजेब्रा फंक्शन, टू परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन, टू परफॉर्म लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डीप न्यूरल नेटवर्क, के मींस क्लस्टरिंग, कंट्रोल सिस्टम्स, ऑपरेशन रिसर्च। ओके, व्हाट इज एन एरे? एरे क्या है? इंडेक्स कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट इज नथिंग बट एरे। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस, जावा, एवरीवेयर इज एरे। ओके, बाय डिफॉल्ट एरे कंसेप्ट इज नॉट अवेलेबल इन पाइथन, इंस्टेड वी कैन यूज लिस्ट, बट मेक श्योर लिस्ट एंड एरे बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम। एक एरे पैकेज भी है, हम लोग अगले क्लास में उसके बारे में बात करेंगे, आज हम लोग एनडीआरए के बारे में बात करेंगे। कैसे इंस्टॉल करना है नमपाई?
नमपाई ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। अभी जैसे मान लो आइडियली में इंस्टॉल करते हैं ना, तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है लेकिन फेल हो जाता है, बोलता है कि रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट उसको नहीं मिला, मतलब नमपाई का लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए उसको नहीं मिला। तो जब हम ये पिप किए थे आइडियली में, तो उसमें नेट नहीं ऑन था, बाई चांस ऑन होता तो कर भी लेता। लेकिन तुम अनाकोंडा इंस्टॉल किए हो, अनाकोंडा पाइथन इंस्टॉल किए हो, तो कोई जरूरत नहीं है नंपाई एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करने का, बिकॉज इट कम्स विथ नंपाई, नॉट ओनली नंपाई, ऑल द लाइब्रेरी विच इज नीडेड इन डेटा साइंस इज दैट अनाकोंडा पाइथन इंक्लूड ऑल। नंपाई मॉड्यूल इज इम्प्लिसिटली इंस्टॉल अलॉन्ग विथ अनाकोंडा पाइथन, ठीक है, ओके। अगर अनाकोंडा पाइथन को अपग्रेड करना हो, पुराना वर्जन अगर तुम्हारा दिख रहा है, तो हम लोग वहाँ पिप नहीं चलाते हैं, या फिर स्पाइडर में भी, उसमें भी पिप ना चला के कोंडा अपलोड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पाइथन लिस्ट वर्सेज नंपाई एरे का, थोड़ा कंपेरिजन करेंगे हम लोग, कुछ कोड के साथ भी करेंगे, कुछ ऐसे भी करेंगे, समझना चाहेंगे कि क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। बोथ कैन बी यूज टू स्टोर डेटा, बोथ कैन बी यूज, पाइथन लिस्ट एंड नंपाई एरे बोथ इज यूज टू स्टोर डेटा। द ऑर्डर विल प्रिजर्व इन बोथ, ऑर्डर ऑफ जो ऑर्डर है दैट विल बी प्रिजर्व, ओके। हेंस इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कंसेप्ट आर एप्लीकेबल, बोथ आर म्यूटेबल, वी कैन चेंज द कंटेंट। ये दोनों तो समानता हो गया, कहां कहां डिफरेंस है बताओ। लिस्ट इन पाइथन इज इनबिल्ट टाइप, वी हैव टू इंस्टॉल एंड इंपोर्ट नंपाई एक्सप्लिसिटली, पहला डिफरेंस। लिस्ट कैन कंटेन हेटरोजेनियस एलिमेंट बट एरे कंटेन ओनली होमोजेनियस एलिमेंट, ठीक है। अब ये तो पता है ना कि अगर हम कोई एरे बनाते हैं, जिस डेटा टाइप के एरे बनाते हैं उसी डेटा टाइप के एरे को स्टोर करता है, हेटरोजेनियस तो होता नहीं है, तो हमारा नंपाई भी जो है वो हेटरोजेनियस नहीं है, लेकिन लिस्ट हमारा है। ऑन लिस्ट वी कैन नॉट परफॉर्म वेक्टर ऑपरेशन बट ऑन एनडी एरे वी कैन परफॉर्म वेक्टर ऑपरेशंस, एरे कंज्यूम लेस मेमोरी देन लिस्ट। अच्छा एक मिनट, इसको हम करके भी दिखाते हैं, खोल लेते हैं जुपिटर नोटबुक, फिर हम लोग कुछ कुछ करते भी रहेंगे। ओके ये मेरा पाइथन, ये जुपिटर नोटबुक खुल गया, ठीक है। तो हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। हम सबसे पहले तो ये देखें कि नंपाई इंस्टॉल है कि नहीं,
ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, ये मेरा सेल है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है, प्रिंट एनपी डॉट डबल अंडरस्कोर वर्सन, ओके। अब इसको रन कराते हैं, नंबाई नंबाई एजेंट भी, ठीक है। तो मेरा जो नंबाई है 1.19.2, ये वर्तन है मेरे नंबाई का, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि नंबाई में कैसे हम एरे लोड करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट इंपोर्ट नंबाई एज एनपी ए डॉट np dot nd array np dot array as a equal to np dot array बराबर 1, 2, 3, ठीक है। ये क्या है, मेरा सिंगल डायमेंशन array है, ये मेरा सिंगल डायमेंशन array है, numpy np a बराबर np dot array, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट ए, ओके। चलो इसको रन कराते हैं, तो 1, 2, 3 एरे का प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तो था मेरा सिंगल डायमेंशन एरे, अब डबल डायमेंशन एरे देखते हैं। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, और इसके बाद हम लिखते हैं np इक्वल टू ए इक्वल टू np डॉट एरे एरे, हाँ इसको दो करना है, तो लिखते हैं 1, 2, 3, ये हो गया एक एरे का, और कॉमा देके फिर लिखते हैं 4, 5, 6 एनपी डॉट एरे, एक एरे 1, 2, 3, एक 4, 5, 6, और दोनों को बिग ब्रैकेट में बंद कर दिए, एरे पास कर दिए, ओके। अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं ए, ठीक, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। देखो डबल डायमेंशन एरे 1, 2, 3 और 4, 5, 6, ठीक है ना। अच्छा, अभी इसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, वेक्टराइजेशन हम लोग लिस्ट पे नहीं कर सकते थे और इस पे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हम लोग वेक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं, वेक्टराइजेशन मतलब क्या हो गया ना कि एक लिस्ट क्रिएट करते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ये हो गया, और एक सिंपल लिस्ट क्रिएट करते हैं, i बराबर 10, 20, 30, ठीक है, ये हो गया मेरा, ओके। इसी का हम एरे बना देते हैं, a बराबर np डॉट एरे, और इसी को हम लिख लेते हैं 10, 20, 30, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, i+2 करना चाहते हैं लिस्ट में, ठीक है, वेक्टराइजेशन करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस लिस्ट के हर आइटम में 2 ऐड हो जाए ऐसा, ठीक है, और तब हम प्रिंट करना चाहेंगे इसको। रन करा के देखते हैं कि i+2 को ये रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं,
नहीं करता है, ठीक है। आई प्लस टू कैन ओनली कॉन्कनेट लिस्ट नॉट लिस्ट, ओके चलो समझ में आ गया। अब इसको हम करके देखते हैं कि अगर हम इसको नंपाई पे करें तो क्या होगा। ए प्लस टू कर देते हैं, ए मेरा नंपाई अरे है, ए प्लस टू, ए प्लस टू, ठीक है, रन कराते हैं, ठीक है। देखो अगर हम कराए तो 10 20 30 था, तो ये 12 22 32 दो दो वेक्टराइजेशन हो गया इसमें, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अभी जस्ट इसके पहले बात किए, इसमें जिसको हम दिखाने लाए थे यहाँ पे एरे कंज्यूम, अच्छा वी कैन नॉट परफॉर्म वेक्टराइजेशन, ये तो हो गया। और इसके बाद था कि एरे कंज्यूम लिस्ट मेमोरी डन लिस्ट, एरे ओके, तो इसको देखते हैं कि एरे मेमोरी कम कैसे लेता है, ठीक है। एक दो तीन चार, एरे मेमोरी कम कैसे लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे, और ह्यूज लिस्ट बनाएंगे, बड़ा सा, है ना। और उस लिस्ट के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसका सेम एलिमेंट का एरे ही बनाएं, और देखते हैं कि दोनों में कौन सा मेमोरी लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, मेमोरी कंजम्पशन लिस्ट वर्सेस नंबर यारे, ठीक है, ओके। सेम चीज इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, और मेमोरी देखने के लिए हमको गेट साइज ऑफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट सिस, ठीक है, सिस्टम के लिए। इसके बाद हम लोग करना क्या है कि एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो एक लिस्ट हम कैसे क्रिएट करें, बहुत नंबर का, हम 1000 नंबर डालना चाहते हैं, तो लिस्ट कैसे क्रिएट करें, तो एक तरीका है मेरे पास। तो हम लोग लिस्ट यूज करके रेंज से हम लोग लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो लिस्ट के लिए ऐसा लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे रेंज, और 0 से लेके 1000 तक का नंबर जनरेट करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या दिए, 0 से 1000, तो 0 से स्टार्ट करके 1000 नंबर तक जाएगा, ठीक है, ओके। एक बार हम इसको प्रिंट करके देख लें कि मेरा लिस्ट क्रिएट हुआ कि नहीं, ठीक है। प्रिंट एस, सॉरी प्रिंट एस, ओके चलो रन कराते इसको। क्या लिखता है, टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइब, लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज, ओके ठीक है। ठीक है, देखो इतना नंबर का लिस्ट क्रिएट हुआ ना मेरा, गुड लिस्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करें कि इस लिस्ट का हम लोग देखते हैं प्रिंट साइज ऑफ इच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है, इन बाइट्स, इन बाइट्स। और यहाँ पे देते हैं कॉमा, और यहाँ लिखते हैं सिस डॉट गेट साइज ऑफ एस, ओके। ये तो हो गया मेरा लिस्ट का साइज, ठीक है, एक एलिमेंट का साइज, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम
पूरा लिस्ट का साइज निकालते हैं, ठीक है, साइज ऑफ होल लिस्ट, साइज ऑफ होल लिस्ट इन बाइट्स, ठीक है, तो गेट साइज ऑफ एस तो निकाले, गुना गुना कर देते हैं इसके लेंथ से, ओके, ये तो मेरा निकल गया लिस्ट का, ओके, अब हमको क्या करना है कि अब हमको नम पाई में सेम लिस्ट बनाना है, ठीक है, तो एक बना लेते हैं हम लोग डी नाम से और लिखते हैं np डॉट एरे, नहीं रेंज ना, हाँ np डॉट ए रेंज 1000, वही काम करेगा लेकिन एरे के साथ ए रेंज है, ओके, तो यहाँ भी मेरा पे डी पे के बाद उतना ही, मतलब 0 से लेके 1000 तक मेरा 999 तक मेरा डेटा क्रिएट हो गया, ओके, अब हमको क्या करना है, क्या इसका मेमोरी देखना है, गुड, तो हमको करना क्या है, ठीक ये काम हो गया, तो साइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द, तो यहां पे कर देते हैं हम लोग डी, यहां भी कर देते हैं डी, यहां पे करते हैं डी अगुने डी डॉट आइटम साइज, डी डॉट आइटम साइज, आइटम साइज, ओके, देखते हैं कंपाइल करते एक बार, कौन चला गया, ओके ठीक है, देखो लिस्ट जो हम लोग निकाले उसमें आ रहा है इच एलिमेंट का साइज है 4028 बाइट, और चूंकि 100 आइटम है तो यहाँ ये आ गया 1000 टोटल आइटम है 0 से 1000, तो ये है मेरा टोटल साइज इन बाइट्स फॉर दिस 1000 नंबर, ओके, और यहाँ पे देखो ये तो हमको एक एलिमेंट का साइज तो बराबर है, यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा है मेरा एरे में, है ना 4048 है या 28 है, लेकिन अगर बात करो कि पूरा का पूरा एरे में कितना मेमोरी कंज्यूम हुआ, तो दैट इज नथिंग बट 16192, अगर इस दोनों को कंपेयर करो इसको और इसको तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है, नंबर मेरा उतना ही है, और चूंकि डेटा साइंस में हम बात करेंगे तो हम लोग बहुत ह्यूज डेटा सेट को प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तो 1000 का सिर्फ एक रेंज है उसमें इतना डिफरेंस है, तो बहुत और ज्यादा रहेगा तो कितना डिफरेंस आएगा,
ठीक है ओके। तो ये तो समझ में आया कि एरे कंज्यूम लिस्ट मेमोरी देन लिस्ट। एरे आर सुपर फास्ट व्हेन कंपेयर्ड विद द लिस्ट, ठीक है। एरे आर सुपर फास्ट, इसको भी करके देखते हैं, देखो इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम लोग कि एरे हमारा सुपर फास्ट कैसे है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को करना वही है कि हम लोग उसको काम क्या करेंगे कि एक एरे हम बनाते हैं, दो एरे, दो लिस्ट बनाएंगे, दो एरे बनाएंगे, ठीक है। दोनों लिस्ट के बीच में हम मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा एरे बना के और देखेंगे कौन कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट numpy एज np और इंपोर्ट टाइम, ओके। इंपोर्ट टाइम एक वेरिएबल में साइज रख लेते हैं, साइज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ओके। इतना बड़ा साइज बना लिए, अब हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट वन, लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट रेंज वाला जो यूज किए थे ठीक उसी तरह से रेंज, इसके अंदर 1000, उसके अंदर साइज लिख देते हैं, ये साइज इतना बड़ा बनाएंगे, लिस्ट वन लिस्ट रेंज साइज, ओके। लिस्ट टू बना लेते हैं, लिस्ट टू इक्वल टू सेम ठीक है। अब हम लोग करना क्या है कि सेम इसी नंबर का हम एरे बनाते हैं, यहां एरे बनाते हैं, लिखते हैं एरे वन बराबर एनपी डॉट एरे, एनपी डॉट एरे, एनपी डॉट ए रेंज, सॉरी एनपी डॉट ए रेंज ब्रैकेट में साइज, ठीक है एनपी डॉट ओके। यहाँ एक बन गया, फिर एरे बनाते हैं, एरे टू बराबर एनपी डॉट ए रेंज साइज, ये दोनों बना लिए ओके। अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमको दोनों लिस्ट के एलिमेंट को गुना कर देना आपस में, ठीक। देखो तो कितना जीरो दिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, 10 लाख एलिमेंट का लिस्ट वन है और 10 लाख एलिमेंट का लिस्ट टू है और दोनों को गुना कर रहे हैं बारी बारी से, ये काम ये करेंगे और यही काम हम करेंगे एरे में भी और निकालेंगे कि किस में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि करेंट टाइम, करेंट सिस्टम टाइम स्टोर कर लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस जैसे ही खत्म होगा तो इंडो टाइम निकालेंगे, दोनों को डिफरेंस करके हमको पता चल जाएगा कितना टाइम लगा इसको प्रोसेस करने में ओके। तो हम लोग लिखते हैं स्टार्ट, स्टार्ट टाइम इक्वल टू टाइम डॉट टाइम ओके। इसके बाद क्या करते हैं कि हम रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट बराबर जिप फंक्शन कभी यूज किए हो तुम लोग, हम ऐसा लिखते हैं कि ए ए कॉमा बी फॉर ए सच दैट ए एंड बी इन जिप लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू, ए कॉमा बी, ठीक है ए एंड बी, जिप जो है ना जिप को भी बताएंगे इसके बाद, जिप लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों के एक एक एलिमेंट का टपल के रूप में रिटर्न करेगा और उस दोनों टपल को ए बी में रखेंगे और ए और बी से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब सारा का सारा गुना हो जाएगा
तब हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसका इसके बाद करना क्या है कि हम यहाँ तो हो गया, ठीक है, तो गुना हो गया, गुना हो के सारा गुना हो के आपस में रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, तो एंड टाइम हम निकाल सकते हैं सर, एंड टाइम बराबर टाइम डॉट टाइम, ये भी हो गया एंड टाइम। ओके, अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रिंट टाइम टेकन बाय लिस्ट ऑपरेशन। ओके, लिस्ट ऑपरेशन तो कैसे निकालेंगे हम लोग, किस टाइम से किस टाइम घटाए, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। ओके, ठीक है, ये तो हो गया, हमको पता चल गया कि इतना ऑपरेशन मेरा लिस्ट में होगा तो कैसे होगा, ये हम समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब हमको यही काम करना है एरे में, एरे में हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट एरे बराबर एरे वन गुना एरे टू, ठीक है, रिजल्ट। ओके, हम कर दिए एरे वन एरे टू में स्टार्ट कर दिए, लेकिन एरे वन को गुना करने के पहले हम यहाँ पे भी हम लोग स्टार्ट टाइम, ठीक है ना, स्टार्ट टाइम बराबर टाइम डॉट टाइम। ओके, उसके बाद हम गुना कर दिए, गुना करके हम रिजल्ट में रख लिए, यहाँ पे लिख लिए एंड टाइम, दोनों बारे वो लिखी बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो, तो वहां प्रिंट करेगा इस बार, ठीक है, टाइम डॉट टाइम। ओके, स्टार्ट टाइम एंड टाइम बीच में ऑपरेशन, गुड। अब हम लोग क्या करें कि इसी को प्रिंट करा लेते हैं, द टाइम टेकन बाय एरे ऑपरेशन, ठीक है। ओके, आई होप कि रन करना चाहिए, एक बार देख ले, इम्पोर्ट नंपाई कर लिए, टाइम कर लिए, साइज बना दिए, साइज यहाँ वाश कर दिए, तो दो लिस्ट दो एरे बन गया। ओके, यहाँ से हम लोगों ने एक एक टपल दिया और सबको गुना कर दिया, ए गुना बी ना, ठीक है, ए गुना बी, और वो सब इसमें रिजल्ट हो गया टाइम टेक, ठीक है, लेट्स सी, टाइम टेकन बाई, ओके 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 ओके, देखो लिस्ट ऑपरेशन में टाइम लिया और इस ऑपरेशन में जो टाइम लगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेटा के देखें तो हम लोग को ये मिल रहा है रिजल्ट, जिसमें जो टाइम टेकन हुआ 1.05 सेकंड लगा और यहाँ पे 0.05 सेकंड लगा, और ये अगर नंबर हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो ये
डिफरेंस और सिग्निफिकेंट होता जाएगा। हेलो 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 हेलो, बहुत बड़ा नंबर हो गया। नंबर बहुत ज्यादा है इसलिए एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है। वेट,